हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये है सुपर ब्लड मून जीके जीएस। देखिए, सुपर ब्लड मून हुआ है और ये क्या है, मैक्सिमम लोग न्यूज़ पे देखे भी होंगे, इमेज भी देखे होंगे, काफ़ी चीज़ें देखे होंगे, लेकिन क्या इसमें आपके लिए परीक्षा के लिए ज़रूरी है? जो चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे समझना ज़रूरी है ताकि लाइफ लॉन्ग के सवाल आ चुके हैं या आएंगे, आ भी चुके हैं और आगे भी आएंगे। क्योंकि एक तो पहला चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स का ये पार्ट है, तो किस दिन को हुआ ये आपको याद रखना है। 26 तारीख को लगभग 3 साढ़े 3 बजे के बाद, पूरे दुनिया का मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, और लगभग 6 बजे के थोड़े पहले तक था। अब अलग अलग देशों में अलग अलग टाइमिंग थी, ये सब आपको पता है। लेकिन ये फेनोमेनन क्यों हुआ, क्यों इसे सुपर ब्लड मून कहते हैं, और भी क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये फेज़ वाइज डिस्क्रिप्शन है कि क्यों ये ऐसे लाल जा करके हुआ। अब इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ लूनर इक्लिप्स, जो चंद्र ग्रहण होता है, वो कैसे होता है, शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि तो मैक्सिमम लोगों को पता है, नहीं पता होगा तो पता कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, एक चीज़ याद रखना है। तो एक होता है चंद्र ग्रहण और एक होता है सूरज ग्रहण। तो पहले चंद्र ग्रहण समझते हैं। चंद्रमा रहता है सबसे लास्ट में। आप एक चीज़ क्लियर कट याद रखो, पृथ्वी जब बीच में रहेगी, ठीक ना, जब पृथ्वी बीच में रहेगी तो ये चंद्र ग्रहण होता है। अब क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है आराम से। सनरेज जो हैं वो पृथ्वी की तरफ आती हैं, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ये इधर आ रही हैं। पृथ्वी बीच में पड़ गया, चंद्रमा छोटा है, तो जब ये तीनों एक लाइन में होंगे, मान लो चंद्रमा पहले यहाँ पे था, तब तो डायरेक्ट सनलाइट यहाँ जा रहा था, लेकिन अब चंद्रमा आ गया यहाँ पीछे, तो इसका सनलाइट जो है पृथ्वी रोक ले रहा है, कंफर्म है। तब इस समय जब चंद्रमा नहीं दिखेगा आपको, पूरा होते हुए भी नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट जा नहीं रहा है। तो अब क्या होता है, यहीं पे समझना है आपको कि ये चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर उठता है तो थोड़ी सी लाइट पहुंचती है। तो याद करिए, चंद्र ग्रहण का जब पहला चीज़ थोड़ा सा दिखता है चंद्रमा का, तो यही पहली लाइट उस पर पड़ी रहती है, ठीक है, इसलिए वो छोटा सा हिस्सा दिखता है। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो थोड़ा और ज़्यादा हिस्सा दिखेगा, तो हमें क्या लगता है कि बाकी का हिस्सा कटा हुआ है, ठीक है। तो बाकी का हिस्सा कटा हुआ जो होता है उसे हम लोग समझते हैं कि चंद्रमा जो है, अंधविश्वासों में बहुत तरीके से कहे जाते हैं कि इसका कटा हुआ रूप दिख रहा है, इसे ग्रहण लग गया है। तो जैसे जैसे ऊपर उठेगा ये पूरा क्लियर दिखना, फिर साइनिंग होता आपको दिखेगा, फिर से वो नॉर्मल की तरफ। अब इसमें सुपर ब्लड मून का क्या फैक्टर है, इस चीज़ को समझते हैं। दो इसमें कॉन्सेप्ट हैं, दो थियरीज हैं, जो कि समझ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, सुपर ब्लड मून जो है अकर्स व्हेन द मून ऑफ द अर्थ इज ऑन टोटल लूनर इक्लिप्स। एक होता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स, एक होता है टोटल। तो ये टोटल लूनर इक्लिप्स मतलब टोटल ही चंद्रमा ग्रहण हो। ड्यूरिंग दिस टाइम द मून लुक्स रेड और रड्डी ब्राउन। दो इसमें कलर होते हैं, या तो रेड ऑरेंज दिखेगा या फिर ब्राउन टाइप दिखेगा, इसको ब्लड मून कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, देखिए यहाँ तीन टर्म यूज हुआ है शुरू में, सुपर ब्लड मून। इसको अगर समझ गया ना तो आपका जो है कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो। सुपर मतलब बड़ा सा, बड़ा मजबूत, सुपरमैन होता है ना, जिससे बड़ा सा रेडिस। अब मून तो आप समझ रहे हो कि जब ये, तो ये जो है ब्लड मून का कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ब्लड मून वो होता है जब चंद्रमा का कलर रेड हो जाए। क्यों रेड हो जाए, ये टोटल लूनर इक्लिप्स की वजह से, ठीक है। अब इसमें सुपर शब्द लगा, इसमें सुपर का मतलब यही होगा कि जब वो चांद जो है, जो आपने देखा था, वो पृथ्वी के काफ़ी करीब हो तो वो चंद्रमा बड़ा दिखेगा। अब प्लस वो रेड भी हो जाए, ऑरेंज कलर का हो जाए, तो ये हो जाता है सुपर ब्लड मून। अब ये क्यों होता है, ब्लड के कलर का उतना गाढ़ा कलर का क्यों दिखता है, ये एक बड़ा सनराइज के समय आकाश का रंग कैसा होता है, सनसेट और सनराइज के समय जब ये टोटल लूनर इक्लिप्स होगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सनसेट या सनराइज के समय जब भी ये होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नासा का भी रिपोर्ट है, सनलाइट बेंड्स एंड स्कैटर्स इट्स पासिस थ्रू अर्थ एटमोसफेयर ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स के टाइम अगर ये सनसेट और सनराइज का टोटल रेज जो है वो बेंड होकर के अगर चांद पे पड़ने लगेगा, तो वो बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट होगा, उसी कलर में होगा जिस कलर में सुबह और शाम में आप आकाश को देखते होगे, रेड रेड दिखता होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है
उसके इस कलर के पीछे। अब समझ गए सुपर क्यों होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के काफ़ी पास रहता है, और ब्लड एकदम डीप ब्लड कहेंगे उसे, क्योंकि वो सनराइज जितने भी हैं वो फिल्टर होके अर्थ एटमोसफेयर में आते हैं और वो रीच द लूनर सरफेस। जब वो वहाँ होगा तो वो क्या होगा, इल्यूमिनेट करेगा। द इक्लिप्स मून इज डिमली इल्यूमिनेटेड बाई रेड ऑरेंज लाइट लेफ्ट ओवर फ्रॉम ऑल द सनसेट एंड सनराइजेज अकरिंग अराउंड द वर्ल्ड एट दैट टाइम। एक ही बार में जितने भी सनसेट और सनराइज का जो रेज होगा वो आपको यहाँ पे पड़ेगा। अब इस चीज़ को ऐसे भी समझते हैं, इमेज में यहाँ क्लियरली है। सपोज करो ये फोटो तब की है जब इसमें नहीं पड़ता है, ठीक है। ये तब की फोटो कब की है, जब इस पर सनरेज और सनसेट का इल्यूमिनेशन नहीं हो रहा था। और ये देखिए नॉर्मल लूनर इक्लिप्स का है जब सिर्फ रेज पड़ रहा है, लेकिन ये कहाँ से शुरू होता है, थोड़े थोड़े इस पर वो वाला सनरेज यानी कि सनसेट और सनराइज़ का जो रेड कलर का लाइट होता है वो इस पर आना शुरू हो गया। इसमें थोड़ा और ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा और ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा, और ये पूरा हो गया इसमें वाले में, और यहाँ से फिर से कम होगा। तो ये कहने का मतलब है क्लियरली यहाँ पर कि दो चीज़ें यहाँ पर, सुपर ब्लड मून में चांद जो है आपको बड़ा दिखेगा, जितना आप नॉर्मली लूनर इक्लिप्स में देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ा आपको पृथ्वी से दिखेगा। हर जगह से नहीं दिख पाएगा, लेकिन जहाँ से भी दिखेगा वो बड़ा दिखेगा। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें मैटर जो करता है सनसेट और सनराइज़ का, पूरे वर्ल्ड में जितना भी सनरेज होगा वो ऐसे मुड़ के चांद पे ही पड़ने लगेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सपोज करो कि ये जहाँ से इस बार इल्यूमिनेशन हो रहा है वहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी ऐसे पड़ रही हैं सनरेज और सनलाइट की। तो एक तो जब ये ऐसे निकलेगा मून यहाँ पे तो थोड़ा सा लाइट दिखेगा, साथ ही साथ ये आपको दिखेगा यहाँ भी, तो दोनों चीज़ें एक साथ दिख रही हैं। तो दिखने का क्लियरली मतलब है कि ये लाइट इफ़ेक्ट भी उन पे पड़ा, और दूसरा इफ़ेक्ट क्या पड़ा, वो पृथ्वी के काफ़ी करीब है, एक लाइन में होते हुए भी बहुत करीब है। सपोज करो ये इतना ज़्यादा हमेशा होता है और इस बार इतने यहाँ आ गया, तो काफ़ी करीब है। तो एक पहला रीज़न हो गया सुपर दिखने का, वो बड़ा दिखता है। दूसरा हो गया रेज की वजह से, रेज की जो कलर है उसकी वजह से वो उस कलर का दिखता है। इसकी डेट आप लोगों को याद रखनी है, डेट जो है 26 मई हो गया, और इस साल का ये जो है लूनर इक्लिप्स कौन सा था, टोटल लूनर इक्लिप्स, ये कौन सा साल का टोटल लूनर इक्लिप्स था आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला लूनर इक्लिप्स टोटल था या दूसरा, टोटल मतलब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण भी होता है और पूर्ण आंशिक पूर्ण चंद्र ग्रहण, लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफरेंस हैं, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।